हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज देखिए मैं बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ नर्सरी से। और आई होप कि आप पहले तो बहुत अच्छे से होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज नर्सरी गई थी और मुझे लगता है कि ये समर की मेरी लास्ट शॉपिंग, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं कोई मतलब जो है प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि मैं दोबारा शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी प्लांट्स की, बट अपने आप को समझा रही हूँ कि बस अब हो गया। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है प्लांट्स की, समर की, और सारी इंडोर प्लांट्स की। अभी तक मैं जो है समर की आउटडोर मतलब जो है कर रही थी, और अभी तक मैंने आउटडोर मेरी कंप्लीट हुई है। तो मैंने सोचा कुछ इंडोर प्लांट एग्जॉटिक, बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी आई थी अच्छी भोला नर्सरी में, और भी मैंने इधर उधर से इकट्ठा किया है, तो मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर कर लूँ और प्राइस भी आपको बताते चलूँगी फ्रेंड्स। और थोड़ा इंडोर प्लांट्स कॉस्टली हो गए हैं, पहले से भी ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, और कॉस्टली होते भी हैं अपेक्षा उसके आउटडोर प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, मैं एक एक का प्राइस बताते चलूँगी। ये है लिपस्टिक प्लांट, और इसमें रेड रेड फ्लावर लिपस्टिक की तरह आते हैं, और ये मुझे 150 का मिला है। ये जो छोटे छोटे पॉट हैं वो मुझे 150 के मिले हैं, और कुछ एग्जॉटिक हैं तो वो थोड़े से और भी महंगे हैं। तो फ्रेंड्स, ये लिपस्टिक मतलब प्लांट है, और इसकी लीव्स बहुत ही मतलब अच्छी हैं, बहुत ही मतलब जैसे होया जैसी लीव्स होती हैं, वैसी ही मोटी मोटी हैं, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसको हैंगिंग बास्केट में आप ट्रांसफ़र करें, और बाद में इसमें रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। नेक्स्ट मेरा प्लांट है ये देखिए, ये मैं एक और लेके आई हूँ, क्योंकि उनके वहाँ लास्ट ही ये पीस बचा था, ये लास्ट पीस बचा था, और ये मुझे बहुत खूबसूरत भी लगा, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं नहीं दिखा आज तक मुझे, सिर्फ भोला नर्सरी में ही, क्योंकि उन्हीं के वहाँ थोड़ा सा रेयर एग्जॉटिक प्लांट मिल जाते हैं, और ये मेरे थोड़ा सा घर के करीब भी है, तो मैं इसीलिए वहीं पे विज़िट कर पाती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे भी ये 150 का ही मिला है इस तरह के पॉट में, और एक बल्ब है इसमें, बस इसी से मतलब ये सारी है, और हैंगिंग में ये बहुत खूबसूरत लगती है, और इसको अगर आप लीव्स कंपोस्ट में लगाएं तो बहुत अच्छा मतलब जो है वर्क करती है, अच्छी ग्रोथ होती है इससे। तो ये मुझे 150 का मिला है, ट्रायंगल हार्ट जिसको बोलते हैं, सॉरी इसका नाम मैं बताना, ट्रायंगल हार्ट नहीं, हार्ट लीव्स मतलब इसको बोलते हैं, और बहुत ही सुंदर मतलब ये छोटी छोटी हैंगिंग्स में आती हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है, हार्ट्स की तरह लीव्स होती हैं वेरिएटेड। तो इसका एक बिल्कुल ग्रीन भी आता है, बट मुझे यही मिला है, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद फ्रेंड्स, एक ये मेरा ये थोड़ा सा कैक्टस की वैरायटी का है, अगेव जैसा है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा कांटे हैं, बट हार्डी बहुत है, और इसका जो वेरिएशन है वो बहुत अच्छा है। इससे पहले जैसे कि एक बर्ड नेस्ट प्लांट होता है, लगभग उसी तरीके का है, बट इसका वेरिएशन और इसका मतलब जो है ये बहुत हार्डी दिख रहा था प्लांट, और बहुत जल्दी देखिए मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक प्लांट मैं ले लूँगी, तो काफ़ी मतलब जो है मिनिएचर वगैरह में ऐसे प्लांट्स बहुत मतलब जो है यूज़फुल होते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये मुझे जो है 150 का मिला है, ये जबकि पन्नी में है, बट वो लोग भी समझ जाते हैं कि एक प्लांट से एक मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो थोड़ा सा महंगे ही लगा के सेल करते हैं। तो उसके बाद मेरा फेवरेट, मैं बहुत दिन से बेगोनिया की वैरायटी ढूंढ रही थी, तो फ्रेंड्स अब जाके मुझे ये बेगोनिया मिला है, और देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बट बहुत एक्सपेंसिव है। ये 250 में मुझे दिया है, जबकि 350 बता रहे थे। बहुत मुश्किल से इतने प्लांट्स मैंने लिए हैं, तो थोड़ा बहुत बार्गेन हो पाया है, अदरवाइज़ बहुत महंगा, और बहुत ही मतलब जो है एग्जॉटिक मुझे लगा ये कलर। और सबसे पहली बात है कि मेरे लिए चैलेंज होगा कि मैं इस क्लाइमेट में इनको सर्वाइव कर सकूँ, तो मैंने एक बार फिर कोशिश की और चैलेंज एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बिगोनिया लिया है, 250 का है, और उसके बाद फ्रेंड्स एक बिगोनिया की और जो है वैरायटी मैंने ली है, ये देखिए, ये बहुत कॉमन वैरायटी है, बट यहाँ तो कुछ बिगोनिया का मिलता ही नहीं है,
एक यही नर्सरी में गई तो मैं यहाँ बस रैक्स बिगोनिया मिलती है, वो भी प्लेन वाली, एंजल बिगोनिया भी नहीं होती है वो, तो ये एक मिली है। ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, जैसे जो लीव्स हैं बड़ी वेलवेटी जैसी फील हो रही थी, तो ये मुझे उन्होंने 100 रुपीज़ का दिया है। और ये बिगोनिया हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही एग्जॉटिक मतलब जो है यूफोरबिया मिली की वैरायटी है, और इसके 3 कलर हैं मेरे पास, मैंने 3 कलर लिए हैं क्योंकि मुझे ये भी बहुत हार्डी दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये इससे मल्टीप्लाई करूँगी और सर्वाइव भी कर लूँगी, तो इससे मेरे और प्लांट्स। तो ये देखिए, ये तीनों मुझे 250-250 रुपये में मिले हैं, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है, आज तक मैंने ये देखे नहीं यहाँ पे लखनऊ में, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, और हार्डी लग रहे थे इसलिए मैंने लिया, क्योंकि ये इनडोर का भी काम करेंगे और डोर में भी आप काफ़ी मतलब वेरिएशन बहुत सुंदर है। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही हार्ड लीफ है इसकी, ये देखिए बहुत मोटी मोटी, तो इतनी जल्दी डेड होने वाला नहीं है। और ये देखिए बस कोकोपीट में लगा हुआ है, अभी मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी इस मौसम में, आगे देखती हूँ कि क्या रिस्पॉन्स है। अब ये सब सिर्फ कोकोपीट में लगे हैं प्लांट्स, तो ये मुझे 250 रुपये के ईच मिले हैं, तो ये 4 प्लांट तो मुझे 1000 में थे। तो मैं ये यूफोरबिया मिली की ड्वार्फ वैरायटी लाई हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, एक ये कलर है, एक ये कलर है, दूसरा ये ग्रीन कलर है, बहुत अच्छा लग रहा था ये, बहुत ही एग्जॉटिक प्लांट मुझे लगा, मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ इस पर। और इसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए, मैं कुछ ब्रोमिलेट्स लाई हूँ, और ये भी मुझे जो है उन्होंने 200 का दिया है, 200, और एक ये मैंने लिया है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसका एक रेड कलर भी आता है, बट वो उस समय मतलब थोड़ा लीव्स वगैरह कम अच्छी थी, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम ले लूँगी, अभी थोड़ा से ये कलेक्शन करके देखती हूँ। तो ये मुझे 200-200 रुपये में मिले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेरी परचेजिंग है, ये देखिए ये है सिल्वर पोथोस, ये भी मैं एक बार मार चुकी हूँ, मैं मुझसे डेड हो गया था, कभी कभी आप मतलब हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं कभी पानी नहीं दे पाती हूँ, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये सभी इश्यूज़ आते हैं गार्डनिंग के साथ, तो फिर बस वही है कि चलता रहता है, तो मैं ये फिर से लेके आई हूँ, और इसको इस बार देखते हैं कि ये कैसे जो है सर्वाइव करता है और चलता है क्या है, तो इसको भी मैं देखूँगी। और ये मुझे जो है उन्होंने 150 का लगाया है, और ये मुझे ब्रोमिलेट 200 का लगाया है। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक रसेलिया की वैरायटी है ड्वार्फ, और ये देखिए सब टूट टूट के गिर रहे हैं, तो इसको मुझे थोड़ा सा अब ढंग से रख देना है, क्योंकि मैं लाने में भी बहुत सारा टूट गया ये, और ये कैसे क्या अंदर जा भी नहीं रहा है, जाने के बाद मतलब टूट जा रहा है। तो एक तो ये है, और ये मुझे काफ़ी महंगा मिला है, ये 150 रुपये का मिला है, तो बस एक वैरायटी के तौर पर मैंने जो है ये लिया है। और इसके बाद फ्रेंड्स एक ये वैरायटी प्लांट की कैलेथिया की वैरायटी मुझे अच्छी लगी, ये उन्होंने 200 रुपये का दिया है, मुझे एक्सपेंसिव लगा, बट मैंने वही चीज़ है कि फिर यहाँ पे वैरायटीज़ अगर ढूंढते हैं तो मिलती नहीं है, अब मिल रही है तो फिर मुझे थोड़ा बहुत क्या है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इसके बाद ये मुझे आई थिंक मुझे फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी लग रही है, और ये ग्रीनरी के तौर पे मतलब मुझे अच्छी लग रही थी, कि जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ वगैरह हो रही है तो अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये भी 150 रुपये का मिला है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर मैं सॉरी फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड्स मैं ये पेपरोनिया लेके आई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद था, ये मेरा डेड हो गया है, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया था, इस बार ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, सिर्फ सीधे चुपचाप पॉट में ही लगा दूँगी, ये मेरा ख़राब हो गया था तो फिर मैं फिर से लेके आई हूँ, ये भी मुझे 150 में मिला है। फिर उसके बाद मुझे ये जो कैलेडियम मैं लेके आई हूँ वाइट, आज मिल गया मुझे यहाँ पे कैलेडियम भी नहीं मिल रहा था इस समय, और उनके पास आगे वैरायटी आने वाली है कैलेडियम की, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मुझे 150 में उन्होंने दिया है। उसके बाद ये मॉन्स्टेरा मुझे एक ड्वार्फ वैरायटी का मिला, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये मैं लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतना मुझे 200 रुपये में उन्होंने दिया है। और इसके बाद ये ब्लैक मैं जीजी लेके आई हूँ, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करके काफ़ी गमले बना सकती हूँ आगे, तो एक बार आ जाता है तो
मैंने सोचा कि आगे और भी पॉट्स तैयार हो जाएंगे, आपकी वैरायटी भी बढ़ जाएगी। और ये मुझे जो है उन्होंने 300 में दिया है, सबसे महंगा पौधा है यहाँ पे ये वाला। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक ये लिया है लेमन प्लांट, और ये भी उन्होंने 220 रुपीज़ 200 का दिया है। ये देखिए बड़ा सुंदर लग रहा था ग्रीनरी के अकॉर्डिंग। और फिर एक मैंने ये लिया है, ये प्रेयर कैलेथिया की वैरायटी ली है, ये उन्होंने 100 रुपये में लगाई है। इसके बाद ये येलो जनाडू लिया है, ये उन्होंने 100 रुपये में दिया है। और इसके बाद फ्रेंड्स ये एक जनाडू ग्रीन लिया है, वो येलो था, ये भी उन्होंने 100 रुपये में लगाया है। और साथ में फ्रेंड्स ये जो है डिफिनवेचिया की वैरायटी है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, तो ये मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये लिया है, ये उन्होंने 250 रुपये में दिया है। और एक ये दिया है, ये उन्होंने 200 रुपये में दिया है, ये भी मेरे पास वैरायटी नहीं थी तो मैंने एक ये भी लिया है। और एक ये फिडल लीफ लिया है जो ड्वार्फ वैरायटी का है, ये बड़ी वाली वैरायटी मेरे पास है तो एक मैंने ये लिया है। और ये मुझे जो है उन्होंने 150 में दिया है। और एक मैंने ये दिया है, ये सामनी ली है, ये देखिए ये रेड कलर की है, उसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। और ये आउटडोर है, पूरे फुल सनलाइट में मुझे रखना है, और ये जितने प्लांट्स थे सब इंडोर थे सेमी शेड में रखने वाले। और फ्रेंड्स ये मुझे जो है उन्होंने 200 में दी, मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगी। तो इस तरह से मैंने शॉपिंग की है। और ये आई थिंक एक ये मैंने जो है चार्ली क्रीपर ली है, ये देखिए ये हैंगिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरे पास एक और प्लांट है बट मैं एक और ले आई, ये मुझे उन्होंने 60 रुपीज़ की दी है, काफ़ी अच्छा सा मतलब हैवी सा प्लांट है। तो इस तरह से मेरी फ्रेंड्स शॉपिंग रही है, और आपको मतलब कैसी लगी देखिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और फिर कुछ नया लेकर कुछ नया टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलती हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।